बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ये बताया जाएगा कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप बोर्ड के पेपर में काट लें तो फिर भी आपके नंबर नहीं काटे जाते। पहली ये गलती है कि ये एक पेपर है, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर टू, कोई आपने पांच पार्ट करने हैं। टोटल कितने हैं? आठ दिए गए हैं, इनमें से पांच करने हैं। अगर आप पहले पांच करते हैं, ये फर्ज किया पहले पांच करते हैं, या ये समझ लिए पहला क्वेश्चन की मोर्फोलॉजी की तारीफ कीजिए, ये आपके पास आंसर की है, इसके ऊपर आपने लिखना है। यहां पे आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट नंबर वन, इसका आंसर लिखा है मोर्फोलॉजी का। अगर गलत हो गए इसे क्रॉस करें, फिर नीचे लिखे मोर्फोलॉजी क्या है, फिर नीचे लिखते हैं। अगर ठीक है तो आपके नंबर अकाउंट किए जाएंगे। बोर्ड आपको ये कहता है कि आपने कोई भी रिमूवर या व्हाइटनर वगैरह यूज नहीं करना। अगर गलत है क्रॉस करें, नीचे लिखें। अगर आपका आंसर ठीक है तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर यहां तक कि आपने पहली दफा लिखा गलत, फिर लिखा गलत, फिर लिखा गलत, जहां आप ठीक लिख देंगे आपको नंबर मिलेंगे। ये आपको बोर्ड खुद इजाजत देता है। दूसरे नंबर पे कहा गया कि कोई आपने पांच पार्ट करने हैं, टोटल कितने दिए गए हैं? टोटल आपको आठ दिए गए हैं, आपने पांच करने हैं। एक बच्चा वो पहले पांच करके फिर एक इजाफी करता है, ये समझ लीजिए छठा पार्ट करता है, ठीक है। ये समझ लीजिए पहले पांच करने के बाद ये पहले पांच किए, एक ये इजाफी किया। टीचर अगर चेक करता है ये पहले पांच पार्ट, इनमें से अगर फर्ज करें ये गलत हो गया, ये जो उसने इजाफी किया ने, अगर ये ठीक है तो इसके नंबर अकाउंट किए जाएंगे। ये 50% स्टूडेंट्स को इस चीज का बिल्कुल नहीं पता कि इजाफी के भी नंबर होते हैं, ये जहन में रखना है। चलिए किसी टेस्ट से बताता हूँ, एक टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर लिखा है, इसके मुख्तसर सवाल के जवाब देने हैं। ये पहला पार्ट किया, ये दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। तो टोटल कितने करने थे? पांच करने हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं ये पार्ट नंबर फाइव गलत है, फर्ज करें ये गलत है। ये जो बच्चे ने दो इजाफी किए हैं, अगर इसका ये छठा क्वेश्चन ठीक है तो इसके नंबर अकाउंट किए जाएंगे। तो ये भी आपने बात जहन में रखनी है, जो एडिशनल क्वेश्चन करते हैं तो उसके नंबर अकाउंट होते हैं। ये आप यानी एक पहली ये बात बताई कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत होता है, ये क्वेश्चन अगर गलत हो गए इसे क्रॉस करें, अगले पेज पे इसे लिख दें, अगर ठीक है तो आपको नंबर मिलेंगे। दूसरे नंबर पर यह मैंने बताया है, अगर आप कोई इजाफी क्वेश्चन करते हैं, जितने उसने दिए हैं ना ये पांच करने हैं, उसमें पांच करने के बाद एक इजाफी करते हैं, अगर पहला कोई क्वेश्चन गलत है इजाफी के नंबर अकाउंट होते हैं। ये आपने बातें जहन में रखनी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।